हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल एम्बर वॉन्ट। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। आज का टॉपिक वैसे आप थंबनेल में देख ही चुके हो, आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी और करंट फीलिंग्स आपके लिए। वैसे मैंने रीडिंग सोची थी कुछ और टॉपिक पे करने के लिए, फिर ऑल ऑफ सडन रीडिंग करते हुए ये चीज़ चेंज हो गई, तो मुझे जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, वो फिर से बनाना पड़ा बेसिकली। तो आपके सामने यहाँ पे थ्री पाइल्स हैं। नंबर वन इज दिस रिंग कार्ड, नंबर टू इज दिस हार्ट कार्ड, एंड नंबर थ्री इज दिस फ्रूट कार्ड। आपको जो भी पाइल बहुत अट्रैक्ट कर रही है उसको करिए चूज, और आप देख सकते हो इसमें जो भी कार्ड शफल करके जो भी इसमें रीडिंग्स आएंगी, एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट कीप इन माइंड, जो भी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, सैड होकर नहीं, नॉर्मल होकर सोचें ताकि रीडिंग रेजोनेट कर सके। लेट्स स्टार्ट। ये ग्रुप नंबर वन, जिन्होंने भी चूज़ किया आपका रिंग कार्ड, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है। रिंग कार्ड मे बी मैरिड हैं, मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, या कमिटेड हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं कुछ ना कुछ, या फिर उनके साथ कोई एक साइकिल स्टार्ट हुआ है जिसका आप चाहते हो कि कंप्लीट हो जाए, या फिर कोई न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल उनके साथ स्टार्ट करना चाहते हो। ऑलराइट, लेट्स सी योर रीडिंग। चलिए, कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर इतना नहीं ले सकते हैं हम, एक एक करके कार्ड को लेते हैं, ठीक है जी। ग्रुप नंबर वन के लिए, ग्रुप नंबर वन की एनर्जीज ना थोड़ा सा जिद्दी टाइप की है, ये देखिए। ऑफकोर्स ये आपके पर्सन को लेकर हो सकता है, जिद्दी टाइप की, लाइक अपने तक वो किसी को आने ही नहीं देना चाहते, जैसे बातचीत नहीं हो रही है, शायद ब्लॉक हैं, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं। जबरदस्ती कंट्रोल करना जिसको कहते हैं ना, पर बहुत जिद बहुत ज़्यादा है इसलिए कर भी पा रहे हैं, जिद्दी बहुत है इसलिए कर भी पा रहे हैं। आपको क्या है, वो किसी को भी वेलकम इन नहीं करने देते होंगे अपनी लाइफ में, कमिटमेंट से डर लगता है, कमिटमेंट से डर लगता है। पास्ट में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स लगी हैं जिसकी वजह से कमिटमेंट से बहुत डर लगता है। ऑप्शंस बहुत हैं उनके पास, ऑप्शंस बहुत हैं। अगर उनको आप करियर में देखोगे ना, दे आर टू गुड इन देयर करियर, करियर में बहुत अच्छे होंगे, बट अगर रिलेशनशिप में देखोगे तो एक फियर है उनके अंदर, फियर है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर जिससे वो डील नहीं कर पाते। उनका सोच का जो थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग है ना, वो नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट है। आइदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टिंग टाइप के हो सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, या फिर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि नॉर्मल उस पर एग्जिस्ट नहीं करती। पजेसिव भी हो सकते हैं, अगर अटैच्ड हैं तो बहुत हैं, अगर डिटैच्ड हैं तो बहुत हैं। अभी तो खैर ही उनके बारे में आया है, आप देखते हैं आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है। मुझे लगता है जो ये ग्रुप नंबर वन है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं उनसे, बहुत अटैच्ड हैं। जैसे आप लोग उनका वेट कर रहे हो, करना चाहते हो और करते रहना भी चाहते हो, हाँ, बट वो है कि एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक्सप्रेसिव नहीं है भाई, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत ज़िद्दी एनर्जी, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। रो भी सकते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिद्दी बहुत है। उनको लगता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरी तरह से एनर्जी इसको ब्लॉक करके रखा हुआ उन्होंने। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि फीलिंग्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, डीप है, उनको शायद डर लगता है हर्ट होने से। क्योंकि उनका यूजुअल टाइप क्या है, आइदर फुली इन लव, नहीं तो कुछ नहीं, मुझे इस टाइप का यहाँ पर लग रहा है, तो इसलिए बोलते हैं नहीं, और ऐसे बिहेव करेंगे जैसे डिटैच्ड है, मीन्स कुछ है ही नहीं। और आपको भी बहुत कंफ्यूजन होता होगा इस बिहेवियर से। और मुझे आपकी तरफ से क्या लग रहा है ना, कि आप मैरिज चाहते हैं यहाँ पे, आप मैरिज चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं यहाँ पे। द फूल का कार्ड ऑफ कोर्स, आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं यहाँ पे, आपको पूरा फेथ है कि नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन वैसे एकदम पता है कैसा है उनका एटीट्यूड, जो कि टेंशंस नहीं हो, जिस रिलेशनशिप में टेंशंस नहीं हो, फ्रीडम हो, फ्रीडम हो, फेथ हो,
इधर का कोई चीज़ नहीं हो तो वो केयर फ्री है, उनको किसी भी तरह की फाउंडेशन पसंद नहीं, अगर फाउंडेशन है तो वो खुद पर लगा लेंगे, बट फाउंडेशन वैसे नहीं लाइक करते। टॉफॉन्स सोचते बहुत हैं, ऐसा नहीं सोचते नहीं है, स्पेशली नाइट टाइम में बहुत सोचते हैं और काफ़ी टाइम तो सोचने में ही लगा दिया है। मैरिज के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे, करें या नहीं करें, मैरिज के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करें या नहीं करें। सोच ही चल रहा है, मतलब फाइट चल ही रहा है खुद के साथ, कॉन्स्टेंट फाइट है, आपसे ज़्यादा खुद के साथ वो बहुत डीप लेवल पर डील कर रहे हैं। 444 नंबर यहाँ पर आना चाहता है, जो कि स्टेबिलिटी का होता है, मैरिज का होता है, होम का होता है। ये देखिए, वाओ, हायरोफेंट। हायरोफेंट का कार्ड आप जानते हैं, जब हम इस टाइप की रीडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, मैरिज प्रपोजल, मैरिज करना, और यही चैलेंज है यहाँ पे। मैरिज उनके ही खुद के कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खुद के कुछ फियर हैं जो कि इस चीज़ को लेकर ना चैलेंजिंग बनाते हैं। आपका नेचर उनको ना, आपका जो खुद का नेचर है वो उनको थोड़ा सा उसको लेके वो थोड़ा सा हो जाते हैं, क्योंकि आप शायद मस्त मोला टाइप के पर्सन हो, ज़्यादा केयर करने वाले नहीं हो, बस फेथ किया और फर्स्ट स्टेप रख दिया, आगे का नहीं सोचना गिरेंगे या क्या जाएगा। ऑफकोर्स लव में लोग ऐसे ही होते हैं, फेथ रख कर बस आगे बढ़ते हैं, पर वो कैलकुलेटिव बहुत है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कैलकुलेटिव बहुत है। कार्ड क्योंकि फॉल हुए हैं इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, शफल करके ही लेते हैं हम, यहाँ पे ये ले सकते हैं क्वीन ऑफ वांड्स। मुझे ऐसे लगता है ना, आपके पार्टनर को आप तक पहुँचने के लिए सबसे पहले जो है सेल्फ लव सीखना होगा, सेल्फ लव। स्ट्रॉन्ग बहुत हैं, जैसे कि मैंने बोला, फायर साइन भी हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस, या फिर पैशनेट काफ़ी है। एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है, कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग इन द सेंस किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट जहाँ इन इस टाइप के मैटर्स की बात आती है वो एनर्जी एकदम इमेच्योर हो जाती है। मुझे और कोई इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं इसके अलावा यहाँ पे। या स्टार का कार्ड। अब आप जो है बेसिकली ये तो था उनके बारे में। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट कर सकते हो आप इस चीज़ को, आराम से कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड मुझे इश्यूज नहीं दिख रहे हैं पर्सन की तरफ से जिसको कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप अगर चाहेंगे तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है, होप काफ़ी है यहाँ पे किसी भी चीज़ का पूरा होने की, हो सकता है, किया जा सकता है, स्पेशली अगर आप चाहें वर्क कर सकते हैं हीलिंग करके, लव स्प्रेड करके और अपने कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट करके। जितना उनके के साथ लविंग एनर्जीज रहेंगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं आपके। ग्रुप नंबर वन, कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। या मुझे लगता है कुछ ना कुछ इश्यूज हैं उनके साथ, है ना, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं उनके साथ जो कि उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड हैं। कुछ ना कुछ तो उन्होंने लाइफ में विटनेस की हैं चीज़ें जो कि उनको लोनली फील होता है रिलेशनशिप में, मैरिज में, कुछ ना कुछ पास्ट की नेगेटिविटी है और काफ़ी जो कि है यहाँ पर, है ना। अब आपके साथ वैसे उनको होमली फील होता है, बहुत होम जैसा फील होता है, अपना फील होता है, फैमिली जैसा फील होता है, बट यही चीज़ें उनको कुछ चीज़ें याद भी करवा देती हैं, कुछ चीज़ें याद करवा देती हैं जिससे वो सब चीज़ें उनके माइंड में रिकॉल हो जाती हैं, रिकॉल हो जाती हैं उनके माइंड में। मैनिफेस्ट अगर देखा जाए जाने अनजाने में वो भी कर रहे हैं, फैमिली चाहते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये किया जा सकता है, सोचते हैं पर देखते हैं, विजन देखते हैं इस चीज़ का। स्ट्रॉन्ग है तो ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं वो। ग्रुप नंबर हाई प्रेस्टेस, जबरदस्त।
दोनों वैसे देखा जाए एक ही लेवल पर हो, दोनों आप जो है परफेक्ट पेयर है, परफेक्ट पेयर। पेयर वाई, एक की एनर्जी हायरोफेंट की है तो दूसरे की एनर्जी हाई प्रिस्टेस की है। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड होता है जब ये हायरोफेंट। साइकिक लेवल पर भी आप दोनों का जो एनर्जीज है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। एक केयरफ्री रहना चाहता है तो दूसरा मैनिफेस्ट करता है। एक की एनर्जीज अगर अपने काम में बिजी हैं तो आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनके काम और खोल उसकी एक्टिविटीज़ को। कंपैटिबिलिटी ऑफ कोर्स, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कंपैटिबिलिटी आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी जो है ना वो इस टाइप की है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है मुझे वहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक तो सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को या फिर आपको खुद के ऊपर, खुद का वे ऑफ यू नो ड्रेसिंग सेंस हो गया या कुछ भी हो गया, खुद के ऊपर ब्यूटी टर्म्स में या किसी भी टर्म्स में या कुछ मैनिफेस्ट करने में, खुद को, खुद के बारे में, या कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करने में, यू नो ट्रिप्स का, मिलने का, कहीं जाने में, कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और चाहो तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजली हो भी सकता है ये यहाँ पे। कंपैटिबिलिटी का लेवल अगर देखा जाए हाई है, स्पिरिचुअल लेवल साइकिक लेवल पर काफ़ी हाई है, बट मटेरियल वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो आपके पर्सनल पार्टनर की तरफ से है, ऐसे मुझे कोई इश्यूज नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। इसको चाहें तो आप ईजली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ईजली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि हम भी अपनी फॉर्म में आ जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए, लीव इट, है ना, लीव इट। तो फिर वो चीज़ वहीं पर है, तो आप अपने काम में लगे हुए हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, और ऐसे ही ये जो सर्कल है ना वो चलता जा रहा है। 444 और 11 की एनर्जी भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की है, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग रेगि के 12th ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हीलर बनने के लिए या हीलिंग के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस ब्यूटीफुल डे अहेड। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी चूज किया है आपका ये हार्ट के कार्ड को, देखते हैं आपकी कंपैटिबिलिटी और करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। चलिए हम चूज करते हैं आपके लिए दिस कार्ड्स, ओशोज एंड टैरो डेक ग्रुप नंबर 2। मैसेजेस मिलना चाहते हैं, मैसेजेस भेजना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बहुत हर्री में, बहुत जल्दी मैसेजेस का फ्लो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। जब भी मैसेजेस आते हैं हमको बहुत अच्छा लगता होगा आपके मैसेजेस सुनना, पढ़ना, देखना, हर बार एक लाइट फील करते हैं उसमें, हर बार एक न्यू एनर्जी फील करते हैं। जितनी भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज चल रही हैं ना, जैसे ही आपका मैसेज आ जाएगा उनको लगता है एक लाइट फील कर पा रहे हैं उसके अंदर, वो वेट करते हैं उस चीज़ का। एक स्पेशल प्लेस है उनके हार्ट में आपके लिए, स्पेशल प्लेस। राइट नाउ मुझे लगता है कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, मिस कर रहे हैं अगर दूर हैं तो, या फिर फ्रोजन फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल उसमें क्यों पॉसिबल नहीं है, डिले क्यों हो रही हैं या नहीं होनी चाहिए, काश मैं अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाऊँ, अगर वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, फुल है, हार्ट इज़ फुल ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, पैशन, लाइट, लव, आपको विजुलाइज करना, वो सब समटाइम्स होता है ना व्हेन वी आर इन लव विद समवन, वो सब चीज़ें एक साथ फील करना, वो सब चीज़ें हैं बट बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं किस लेवल तक है वो। वेरी नाइस, ग्रुप नंबर 2 आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पास्ट में जो चीज़ें ख़त्म हुई थी, जो इश्यूज हुए थे, कुछ भी हुआ था, मिस कर रहे हैं, स्टार्ट फिर से करना चाहते हैं, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं वो। अब एक्सप्रेस कर पाएंगे या नहीं, मुझे नहीं लगता ये पर्सन एक्सप्रेसिव है, ज़िद्दी हैं थोड़े से। ये कुछ तो ऐसा हुआ है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं फिर से, या एग्जैक्टली इनका दिमाग जो है वो इनको बार बार रोक रहा है अब तक आने के लिए, अब तक आने के लिए इनका दिमाग इनको रोक रहा है। करें नहीं करें मैसेज होता होगा, सॉल्यूशन निकालने की सोचते होंगे, कुछ करने की सोचते होंगे, बट ब्रेन में इतनी सारी चीज़ें उस वक्त आ जाती हैं कि फिर से रुक जाते हैं ये।
फिर से रुक जाते हैं ये, क्योंकि पास्ट का काफ़ी इफेक्ट है इनके ऊपर। जैसे पास्ट में से बहुत ही मुश्किल से ये निकले हैं, या पास्ट ने इनको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया है। ये पास्ट आपके साथ भी हो सकता है कि ये उसको प्रैक्टिकली वो नहीं कर पाए, यू नो, मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, उसको रियलिटी में नहीं कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स थी रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स थी। इनको लगता था कि मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा करके। ये देखिए द आउटसाइडर, मे बी फैमिली में कुछ इश्यूज हुए हों, पेरेंट्स में कुछ इश्यूज रहे हों, हमेशा फैमिली में इश्यूज रहे हों, इसलिए खुद को बहुत ही इस सिचुएशन के सामने छोटा महसूस करते हैं कि नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, मदर के इश्यूज भी हो सकते हैं, किसी ना किसी चीज़ के ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिनको इनको लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़ सकते हैं। इस वजह से हो सकता है कुछ यहाँ पे चीटिंग भी हुआ हो, या उन्होंने पर्पसफुली ये चीज़ किया हो। मैरिज चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं, जो कि उन्हें पता है। मैसेजेस वगैरह बातचीत करके क्लियर, इस चीज़ को बहुत ही इजीली क्लियर किया जा सकता है। और अगर आप परेशान हो, उनसे नाराज़ हो, तो आपको खुश करना डिफ़िकल्ट नहीं है। उन्हें यह पता है कि जैसे ही कुछ मैसेजेस, कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जैसे ही उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, एंड यू विल बी हैप्पी। आप अगर नाराज़ हैं तो आप उनको फॉरगिव कर देंगे बहुत इजीली। हो सकता है आपके एज पर्सन जो हैं वो एयर साइन हो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। या यहाँ पे ब्रेन जो है, मुझे ना सोच किसी इंसान की उसको के ऊपर बहुत हावी है या अफेक्ट कर रही है, किसी भी तरह की सोच हो सकती है। ये देखिए सोच किसी भी इंसान की हो सकती है जो कि उनको बहुत ही अफेक्ट कर रही है। परेशान होते हैं, दिन भर काम करेंगे, जो भी है काम, मुझे नहीं लगता उनका मन के प्रॉपर वर्क में लगता है, कर रहे हैं बस, चल रहा है तो हो रहा है, निकल रहा है, ऐसा है। नाइट टाइम में हालत जो है ख़राब है, क्यों? क्योंकि इस वक्त काम भी नहीं होता, आप कुछ कर भी नहीं सकते, कोई बात करने वाला भी ऐसा नहीं होता, तब बैठ के लगता होगा ओ ये हो क्या गया, कब तक रहेगा ऐसे ही। परेशान है एकदम, हेल्थ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही ओवर थिंकिंग है, दुखी है इस चीज़ से, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे निकलें और क्या करें कि ये चीज़ जो है सोर्ट आउट हो जाए, आप तक आ जाएं वो, कि आपको छोड़ तो दिया है, कुछ लोगों को यहाँ पर छोड़ा हुआ है, तो इस वजह से परेशानी भी बहुत है। कार्ड्स काफ़ी हैं तो इसलिए वन बाय वन लेते हैं। ग्रुप नंबर टू, आपका कार्ड एक नीचे गिरा है, इसलिए मुझे इसको वापस से डालना होगा। चैरियट का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक ही चीज़ चाहिए थी, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसको कि वो, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाया उनकी तरफ से, या किसी एक पर्सन की तरफ से, चेंज नहीं कर पाए। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चेंज नहीं कर पाए, प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं ले पाए। ये बार बार कार्ड अपने आप ही आकर गिर रहा है तो इसको लेते हैं। कंट्रोल इश्यूज बहुत हैं, उन्होंने खुद का नेचर ऐसे बना लिया है, ज़िद्दी, गुस्सा, ब्रेन कंट्रोलिंग इश्यूज, डोमिनेटिंग। आपको ऐसा फील होगा जब भी बात होगी जैसे पता नहीं ऐसा नहीं हो रहा हो, कोई खुद को भी ऐसे फ्रीज करके रखा हुआ है, और सामने वाला जो भी उनके साथ रहेगा वो भी ऐसा ही रहेगा, कोई प्लेस नहीं है लाइक उनके लाइफ में अभी रोमांस, बातचीत, यू नो, किसी भी चीज़ के लिए। एक चीज़ के अंदर उन्होंने, पैटर्न के अंदर उन्होंने खुद को लॉक्ड कर लिया है, उनको लगता है कि ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। देखते हैं और आपके लिए कार्ड्स क्या आते हैं। द फूल, ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं चाहता, उनका हार्ट एक्चुअल में ऐसा है ना, तो वो चाहे बाकी सब चीज़ें कितना भी हो, बिल्कुल आना चाहते हैं, पूरी तरह से फेथ करके, पूरी तरह से सब पीछे छोड़ के, एकदम जैसे होता ना कि बस कुछ भी हो जाए ना, मेरे को करना है, कुछ भी हो जाए देखा जाएगा आगे क्या होगा, आना चाहते हैं सब छोड़ के, सब कुछ शेड करके, सब पैटर्न्स को ब्रेक करके बिल्कुल आना चाहते हैं। और वेल, हो सकता है कि नेक्स्ट 9 to 10 days में कुछ ना कुछ एक मीनिंगफुल चेंज भी आए यहाँ पे।
इंटेंसिटी बहुत है आने को लेकर, एनर्जीज ऐसी हैं जैसे भाग कर आना चाहते हैं और आपको यू नो होल्ड करना चाहते हैं, जैसे कुछ आप कहीं कुछ और स्टार्ट नहीं ले लें, नया कहीं और नहीं चले जाएं, कहीं और नहीं मूव ऑन कर लें। उनके अंदर ये डर भी है, ये डर भी है उनके अंदर, तो इसलिए एनर्जीज ऐसी भी हैं। दो डिफरेंट एनर्जीज हैं यहाँ पे। कंप्लीशन, मैंने बोला ना कि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है 9 से 10 डेज में हो सकता है कुछ चेंज आए यहाँ पे। ये 90% जैसे पजल रिजोल्व हो चुकी है, 10% इसका कुछ पार्ट रह गया। धीरे धीरे करके एक एक चीज़ जो है अपने प्लेस पर आ रही है, जो कि बहुत ही वैसे देखा जाए डिफिकल्ट है। आपकी तरफ से पूरा ट्रांसपेरेंसी है। आप शायद कुछ लोग यहाँ पे डिसीजन ले चुके हो कि ठीक है मेरे को इतना सब ये सब नहीं चाहिए, बेटर है कि मैं आगे मूव करूं। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, देखा जाए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे, जिसको कि डिनाई नहीं किया जा सकता, जो कि एक दूसरे को हो सकता है ट्रिगर भी करता हो, ट्रिगर काफ़ी करता होगा, सोल लेवल पे ट्रिगर ज़्यादा है यहाँ पे। लव बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पर वो नेचर, वो जो बाकी का जो जर्नी है ना, वो एकदम से ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे 0% है या कुछ है ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। मैं इस कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। पर्सन जो है जिद्दी बहुत है, सिद्धि बहुत है। वैसे यहाँ पे रिसेप्टिविटी का भी कार्ड आया है। कुछ लोगों के लाइफ में जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना, वो आपको स्पिरिचुअली बहुत यू नो एनलाइटमेंट देती हैं। या ये चीज़ रेबल जिद्दी, मैंने बोला बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चाहे तो इस जिद को ख़त्म करके इस चीज़ को बहुत ईजली स्मूथ वे से कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। और आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो कि इनको कंट्रोल कर सकते हो, आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो कि इनको एक कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि यू नो कुछ यहाँ से कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ बिल्ड कर सकते हैं एनर्जी लेवल पर। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी जो है ना ट्विन की एनर्जी लग रही है मुझे। और राइट नाउ जो है सिचुएशन अभी एकदम ऐसे है जैसे यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज या कुछ चांसेस ही नहीं है इसमें, पर चांसेस देखा जाए बहुत हैं यहाँ पे। काफ़ी हाई लेवल की एनर्जी है ना यहाँ पे, तो ये जर्नी इसी टाइप की ही होती है बेसिकली देखा जाए। बहुत करेज चाहिए रहता है इस टाइप की जर्नी को प्रैक्टिकल देने में, क्योंकि आप लोगों को एकदम से ऐसे कर दिया जाता है कि इतना ज़्यादा आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी हो जाती है कि जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो, आपको इतना बर्दाश्त कैसे कर सकते हो किसी को, बट कुछ और दूसरा यहाँ पर होता ही नहीं है उसके अलावा। अगर इस टाइप की एनर्जी को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो आप हो, और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस एनर्जी को, इस मैस्कुलिन को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ये ऐसे हैं जैसे कि हाईवे और माईवे, और एकदम सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे किसी कार्मिक रिलेशनशिप के होते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अरिकी के 12th ग्रुप का लिंक है, चाहे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 7 से 10 डेज का कोर्स है हीलर बनने के लिए, एनर्जीज को अलाइन करने के लिए। ऑलराइट, सो हैव अ नाइस वंडरफुल डे अहेड एंड बाय बाय। ही ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी चूज किया है आपका ये फ्रूट का कार्ड, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, और उसके साथ साथ जो है करंट फीलिंग्स। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 3 कार्ड्स काफ़ी हैं यहाँ पे, काफ़ी पैशन है यहाँ, पैशन है यहाँ, सी पैशन, बहुत ही पैशनेट फायरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ये मैसेज काफ़ी कम लोगों के लिए है। वैसे यहाँ पे हो सकता है बहुत जल्दी मैरिज हो सकती है या फिर बेबी है ना। डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पे, पैशन बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल पैशन, या फिर इंटरनल जो पैशन होता है किसी पर्सन को देखे ऑटोमेटिकली उस पैशन का आ जाना आपके अंदर, कि आपके कदम नहीं रुकना, बस आगे भी ही बढ़ते जाना। ऐसे कामों में आई डोंट नो, जल्दी भी एक अलग चीज़ है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि
ऐसा रोल प्ले कर सकती हैं यहाँ पे जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, या यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि यू नो, मैं इस कार्ड को फिर भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी डेविल के कार्ड को. हालांकि डेविल का कार्ड बहुत इजी होता है बोलना कि रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, नार्सिसिस्टिक है, अब्यूसिव है, कोई ना कोई पार्टी, कुछ ना कुछ ऐसा इसमें है जिसको कि बहुत ही पेनफुल है. यहाँ पे बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टाइप का है. प्लीज़ क्लैरिफाई. नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है. फाइट बहुत करनी पड़ेगी आपको, बहुत फाइट, स्ट्रगल बहुत है यहाँ पे, स्ट्रगल बहुत है इस वाले रिलेशनशिप में. पैशन के साथ स्ट्रगल भी बहुत है. टू ऑफ वॉन्स, इस चीज को फुलफिल करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे फुलफिल कैसे किया जाए इस चीज को. फुलफिल कैसे, दो पर्सन के यहाँ पे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनके एनर्जी सब भी खैर अलाइंड नहीं है. एक पर्सन स्टॉप कर रहा है तो दूसरा पर्सन उस चीज़ को सोच रहा है कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाए इस चीज़ को, या कैसे प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए. हायरोफेंट, हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे. हायरोफेंट को अगर जनरली देखा जाए तो मुझे यहाँ पे नंबर फाइव की एनर्जीज बहुत लग रही हैं. हालांकि देखा जाए मैरिज पार्टनरशिप का भी कार्ड होता है नंबर फाइव का कार्ड. मैरिज होती है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा. अदरवाइज मैरिज होने तक ही इसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बहुत सारे इश्यूज, है ना. ग्रुप नंबर थ्री, कॉन्फिडेंस फॉर योर पार्टनर. टू ऑफ वॉन्ट्स, टू ऑफ वॉन्ट्स, दो बार. आने वाले फ्यूचर में वो जानते हैं सब अच्छा होगा, बट जो अभी का प्रेजेंट का रास्ता है ना, प्रेजेंट सिचुएशन है, वो ही उनके लिए डिफिकल्ट है. बहुत बहुत डिफिकल्टी है. यहाँ पे जुपिटर की बहुत, व्हील ऑफ फॉर्चून की, जुपिटर की काफ़ी सारी वाइब्रेशंस हैं. टेम्परेंस, इम्बैलेंस होना लाइफ में. मैं इस कार्ड को भी यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहते हैं क्योंकि कार्ड ऐसे ही है, बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ कार्ड्स को जो है ना क्लैरिफाई करना पड़ता है. दो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज का, जब डिफरेंट सिचुएशन को जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, तो ये कार्ड आता है कि इम्बैलेंस होना बहुत सारा. पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके जो पर्सन है ना, हमेशा हर चीज़ को डिनाई करते हैं, हर चीज़ को डिनाई करेंगे. डिनाई इन द सेंस, ऐसा नहीं कि देखो यहाँ हायरोफेंट अपराइट आया है तो उनकी तरफ से हायरोफेंट जो है वो रिवर्स आया है कि नहीं, मैरिज तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है यहाँ पे, उनकी तरफ से पॉसिबल नहीं है. जब भी प्रपोजल देते होंगे या कुछ उनको आप मनाने की कोशिश करते होंगे या एक बैलेंस बोलते होंगे कि बैलेंस आ सकता है इसमें, तो बोलते होंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. ग्रुप नंबर थ्री, पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे. देखा जाए ऑप्शंस बहुत है उनके पास, ऑप्शंस बहुत है. हाँ, और द मैजिशियन का कार्ड, आपको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बिल्ड करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे किसी जंग को जीतना, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी. टूल्स सब अवेलेबल हैं आपके पास, सब अवेलेबिलिटी है, बट उसको प्रॉपरली प्लान करके इम्प्लीमेंट करना, वो आपके हाथ में है. आपकी क्वीन को या किंग को, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शी इज सिटिंग इन हर पावर. वो अपने तरफ से पूरा सेटिस्फाइड हैं, फुलफिल्ड हैं, उनको किसी चीज़ की लाइक ऐसे हैं कि अपनी लाइफ से खुश हैं, उनको ज़रूरत नहीं है. बट जब भी रिलेशनशिप की बात आएगी तो वो हमेशा यू नो मारने काटने वाली, उसमें नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, एकदम इमेच्योर एनर्जी में आ जाएंगे. अदरवाइज आपके पर्सन चाहे मेल है या फीमेल है, उनकी सिचुएशन ऐसी है कि आई एम फुलफिल्ड, आई हैव एवरीथिंग, सब कुछ है, आई डोंट नीड एनीवन, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है.
बट सोचते भी हैं, बहुत सोचते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनकी आईज रीड कर सकते हो तो आई से ही बस आपको पता लग पाएगा। आई से क्या पता लग पाएगा कि एक्चुअल में शी इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैं इस कार्ड को भी यहाँ पे क्या बात है, ये कार्ड, ये वाली रीडिंग क्लैरिफायर बहुत मांग रही है। या टेन ऑफ यू नो पेंटिकल्स की एनर्जी, फैमिली, किड्स, पार्ट ऑफ फैमिली, या फिर बुरा नहीं माने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है उस फैमिली का पार्ट बनना या ऐसा कुछ। द स्टार बहुत स्पिरिचुअल है, हाईली स्पिरिचुअल है, अभी से नहीं हमेशा से रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया यहाँ पे। उनके इस नेचर की वजह से उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि फिक्स हैं, उसकी वजह से वो इस चीज़ को बार बार डिनाई करते हैं। बहुत रिजिडिटी है उनके अंदर इस चीज़ को लेके, ऐसा है तो ऐसा है, नहीं तो नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। द लवर्स का कार्ड देखा जाए, सोलमेट कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एडम एंड ईव की वाइब्स है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स का एक न्यू रिलेशनशिप को यहाँ पे जो है प्लांटेशन की जा सकती है किसी चीज़ की, लव की। प्रैक्टिकल वे में अगर इस रिलेशनशिप को आप जीतने की कोशिश करेंगे ना कि ऐसा करके वैसा, वो नहीं हो पाएगा। इसको बिगनिंग से फिर से करके एक प्लांट को दोबारा, जैसे आप लगाते हैं कि वो ट्री बने, तभी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे हालांकि शायद कार्ड का में कुछ ज़्यादा ही मैसेज अलग लेवल का आ गया, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों किसी चाइल्ड बर्थ के भी साइन और सिम्टम्स मिल रहे हैं, चाइल्ड को लेकर कुछ। ग्रुप नंबर 3, करंट फीलिंग्स फॉर योर ऑफ योर पार्टनर। कंपैटिबिलिटी, जैसे अब आप बोलेंगे एडम एंड ईव, ऑफ कोर्स कंपैटिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी लेकर आना, उनके अंदर ये क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उनके अंदर कुछ क्लैरिटी लेके आना, कुछ फियर्स को ख़त्म करना, कुछ चीज़ों को क्लियर करना जो कि कुदरत की तरफ से क्लैरिटी या यू नो स्पिरिचुअल वे में ही उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ सकती है। दो कार्ड से मैंने इसलिए नहीं लिए, देखते हैं अभी शफल करके कि और आता क्या है। 9-9 की एनर्जी है यहाँ पे। चीज़ें बार बार आना, सामने आना, सीखना, छोड़ना कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ों को आगे लेके बढ़ जाना, पास्ट को पास्ट की एनर्जी इसमें छोड़ देना। सी व्हाट आई टोल्ड यू, 9 की एनर्जी, अकेले रहने की एनर्जी हमेशा से, दैट आई वॉन्ट टू लिव अलोन। क्यों? क्योंकि पास्ट में जो है कुछ चीज़ें मिस की हैं जिसको लेकर वो आज भी उदास है। उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। देखिए कार्ड अगेन, नंबर 5 की एनर्जी। वन और टू, एक दो और कार्ड देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगेन फाइव का फिर से कार्ड आ रहा है। वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ जी अभी भी पॉसिबिलिटीज बहुत और बिल्ड की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी आया था जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है इस वाले ग्रुप का। द वर्ल्ड का कार्ड, फाइनली कंप्लीशन होना, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इस चीज़ में सक्सेस जो है बहुत ही आराम से मिल सकती है, बहुत ही आराम से मिल सकती है अगर इसमें एफर्ट्स किए जाएं तो। अब एफर्ट्स आपकी तरफ से हैं, आपके पर्सन की तरफ से हैं, दिस आई डोंट नो। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है रेकी के लिए, हीलर बनने के लिए 7 से 10 डेज का यू नो कोर्स है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। हैव अ नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल डे हैड एंड बाय बाय।